कहते हैं अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। चाहे देश में मंदी हो या किसानों के लिए अकाल हो, पर शिकायत कभी किसी से नहीं की। पर उसी किसान का कोई एक हक छीन ले किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। आज वही अन्नदाता जो सरकार के और इस प्रशासनिक तंत्र के नीचे है। आज की जो घटना हुई, जो छल हुआ, किसान के साथ छलावा हुआ, वो निंदनीय है। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के अंतिम छोर के मंडी उतारदा की है। सुबह जब किसान अपनी धान मंडी में लाए तो वहां मंडी में ताला लगा हुआ था। प्रशासनिक अमले को जब इसकी जानकारी हुई तो सांसें थमने लगी। आनन-फानन में सोसाइटी खुलवाई गई, लेकिन किसानों का विरोध देख प्रबंधक भाग खड़ा हुआ। मामला पुराने धाने का है जो किसी बिचौलिया के द्वारा मंडी तक चलाया गया था, जिसे किसानों में आक्रोश बढ़ गया। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, पर कहीं न कहीं इसको छुपा रखा था। इस बात पर जब मीडिया पहुंची और उसके बारे में पूछना चाहा तो भाग खड़े हुए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि धान खरीदी का मामला अब आ रहा है, जब धान खरीदी की तिथि अंतिम दौर में चल रही है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। कोरबा से कुमार सिंह खेरवार की रिपोर्ट। धान जब्ती हो रही से कोई मतलब शिकायत मिली तो जब्ती कर रही है, जिला सुपुर्द कर रही समिति के अंदर में, और पता नहीं कोई नेता के दबाव में या कोई और के दबाव में आगे धान ला बिना जाँच करे छोड़ दिए गए। जाँच होना चाहिए। शिकायत कर रहे? हाँ, शिकायत कर रहे। अच्छा अच्छा, ठीक। बिना जांच हो हम करे, इतना पूरा साक्ष्य सबूत है। अगर बावजूद भी वाला छोड़ दिए, पता नहीं किसी नेता के दबाव में छोड़े थे या जनता के दबाव में छोड़े थे या किसान के दबाव में छोड़े थे, जांच करके छोड़ा ना भाई। हम यही कहना चाहता, यहाँ क्या बिचौलिया यहाँ हकीकत में सक्रिय है। आज दंगा फसाद होते सिर्फ सिर्फ धान बेचे के नाम से। अच्छा, ये जो बिचौलिया बोला था वो लोकल है कि बाहर? शासन जब कहते मनसा के अनुरूप बिचौलिया लोग नहीं बेच सकते, या धान बेच रहे हैं बिचौलिया बाहरी हैं, किसी किसान को सेटिंग कर करके बेच रहे हैं, इस पे पाबंदी लगना चाहिए। अच्छा, जो बिचौलिया की बात कर रहे हो आप, वो बाहर से है कि यही? नहीं नहीं, लोकल गाँव के किसान को लुभान्वित करते हैं और अपना सेटिंग करके बेच रहे हैं। सेटिंग नहीं, पैसा लेना देना। एक ही बात है ना, एक ही बात है। ये परसों इन लोग मैंने वो लेके आया है, जो भी धान मालिक है वो पुराना धान यहाँ से कट्टी, पुराना कट्टी लेकर के अपने घर में गए हैं, घर से तौल करके लाए और सीधा स्टेक में लगाए हैं चट्टा में जी। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि पुराना धान को कौन उतारा यहाँ? और अधिकारी को जानकारी है कि नहीं? हाँ, अधिकारी से हम पूछे, कुर्रे जी से प्रभारी, यहाँ जो समिति प्रभारी है, खरीदी प्रभारी है, उनसे पूछे तो बताए कि वे हमको मालूम नहीं है इसके बारे में। अब ये बताइए, आप ही लोग बताइए कि वो खरीदी प्रभारी को मालूम नहीं है तो किसको मालूम होगा? यहाँ का जो मालिक है उनको मालूम, पूछने से उनको पता नहीं है बोलते हैं, तो कौन बताएगा कि कौन उतारा इसको? अभी प्रबंधक कहाँ है? अभी प्रबंधक अभी कहाँ है, हमको क्या मालूम, हम तो यहीं खड़े हैं धान बेचने आए हैं। एक मिनट, बाहर से आदमी आके हमारा दादागिरी करते हैं। अच्छा, कुछ भी होते तो मारा पीटा में उतारू हो जाते हैं। नाम तो हम कोई के लेना नहीं चाहन है ना, लेकिन आके मन हंगामा मताते हैं। किसान भाई से सहयोग लेते हैं, कोई गलती नहीं है। अच्छा, अगर सतह मंजूर है तो देते सहायता, नहीं जा सकता था इसे भी नहीं तो ककरो थ्रू तो आ रही सुन मन नहीं अब पता नहीं गाय या सारिन उन कैसे मकसद सारिन है, लेकिन कल के डेट में कुछ भी कहते हैं हमारे पूर्व मारपीट, हाथ यहाँ तक हाथ उठा देने अधिकारी गढ़ भी गाली गलौज के साथ स्वागत करे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा अधिकारी मन के? हाँ, पूरा अधिकारी को भी गाली गलौज के साथ स्वागत करे हैं। एक का नाम होकर? नाम नहीं बता सकते सर, वो मकान नाम फोरबो तो गलत है। प्रबंधक कहाँ है अभी तुम्हारे? प्रबंधक अभी घर में है अपन। अच्छा, तो सोसाइटी नहीं आके कारण क्या? छुट्टी में? अब छुट्टी में हो बोली है तो तेरा जानता ना, हमारे घर तबियत खराब रही सुनकर तो छुट्टी में घर गए हैं। अच्छा, कहाँ के आदमी इमन? इमन जी गाँव में तिरके, सब गांव के एरिया के किसान भाई हैं जो आके यहाँ दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ बिना बताया मारपीट में पूरा प्रचलित रूप में रात भर परेशान करी है। विशेष कोई कारण नजर नहीं आते का? कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, प्रबंधक से लड़ाई दुश्मनी कुछ? हाँ, प्रबंधक खोजतरी है, अगर वो भी पास मार देती यहाँ तक फट प्रभारी लग कल भगा दिन होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर आज 37 किसानों का टोकन था धान खरीदी के अनुतरदा में जी, तो उसमें आज यहाँ के जो है प्रभारी समिति प्रबंधक श्री सत्य प्रकाश कोहली जी और आज में आवेदन देकर के अचानक वो चले गए, उपस्थित हो गए, जिसके कारण से वो गेट खुलने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ था जी जी। तो उसके कारण से हम लोग यहाँ आकर के जी जी गेट खुलवा करके श्री कुर्रे जी के स्थान पर श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति को जी जी धान खरीदी काम के लिए अधिकृत कर दिए हैं। और धान खरीदी के काम में कहीं कुछ धान की बात नहीं है, बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित है, सारे किसानों का धान फड़ में आ चुका है जी जी। और उनका उनको जो बोरा वितरण का कार्य चालू भी हो गया है और कहीं कोई दिक्कत इसमें
जी जी पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर आ गए हैं, तो मामला कहीं संगीन तो नजर नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई संगीन वाली बात नहीं थी, केवल इतना था कि किसान जो लेकर के आए थे आज जिनका टोकन था तो वो गेट खुलने में विलम्ब होने से ट्रैक्टर जो है बीच में 15-20 ट्रैक्टर बाहर थे तो फिर हमारा सही अधिकारी उपस्थित थे, इसलिए तत्काल उनको एडीएम साहब के निर्देश पर जो है तत्काल उनको धान खरीदी के कार्य से दर्शक करते हुए श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति पर्यवेक्षक जिला सहकारी केंद्र में उनको आदेश सभी दे दिया गया है और सोचा कि संचालित होते संगीन मामला है सर, ऐसी कोई बात नहीं। जी सर, किसान लोग बोल रहे थे कहीं पुराना धान का रखा गया है सर, पुराना धान सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी कोई ऐसी हमारी ये जानकारी भी नहीं है, हम लोग धान खरीदी जो है सुचारू रूप से संपादित कराने के लिए भी हम लोग आए थे, अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसको चेक करवाएंगे। तो प्रबंधक के लिए कोई कार्रवाई होगी सर उसके लिए? उसको अभी तो तत्काल में धान खरीदी कार्य के लिए जो है उसे हटा दिए हैं और उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से की जाएगी। जी सर, है हम जो मैं इशारा कर रहा हूँ ये धान क्या है, बोरा लेके गए हैं यहाँ से घर और घर से तौल के लाए हैं और सीधा ये स्टेक लगा है उसके किनारे लगा दिए हैं, इसका जब्ती तो बन चुका है, बाकी ऐसा क्यों हो रहा है? माने ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग जब धान लाते हैं तो बोलते हैं कि ये धान खराब है, गीला है और ये कचरा है, ये सब बोलते हैं लोग, फिर ये धान कैसे आ गए, ये चट्टा में क्यों लगा भाई? कौन ले गया घर? घर अब वही तो इन लोग बताएंगे, ये कोई हमाल ही तो उतारा होगा ना इसको कि हम लोग उतारे हैं? अरे हमाल ही उतारा होगा तब तो यहाँ उतरा है, सबसे पूछे हैं सब हमाल से हम लोग, मैं था मेरे को बताया एक जितेंद्र राठौर करके हैं, वो बताया कि भैया ये कोई उतारे हैं और इसको मैं माने मेरे को मालूम नहीं है कि कौन उतारा है, तो हमाल बोले कि हमको मालूम ही नहीं है, बाद में जब वो आए ना जिसका ये मालिक है मकुंदा यादव करके दूसरे के नाम से बेचे हैं ये क्या बुधवारा भाई पति डोमार करके उनके नाम से। अच्छा पुराने धान की मात्रा कितनी होगी? पुराने धान की मात्रा 45 कट्टी है, पुराने धान की मात्रा 45 कट्टी और जब्ती भी हो चुका है और ये यहाँ पे बगल में है वो धान।